व्यूअर्स, सबसे पहले पेट्रोल डलवा लूँ वो इसलिए कि सफ़र शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी यही है। और दुराने सफ़र मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही 4 से 5 लीटर कम होता है दोबारा टैंक फुल करवा लेता हूँ। खैर, इसके बावजूद मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। पेट्रोल तकरीबन हर जगह दस्तयाब है, ख्वाह बकायदा पेट्रोल पम्प हो या ना हो। यहाँ छोटी बड़ी हर किस्म की दुकानों पर आपको बआसानी पेट्रोल मिल जाता है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदेद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और साथ ही साथ उन तमाम व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झलमक्सी बलूचिस्तान में, जो कि कराची से तकरीबन 610 किलोमीटर के फासले पर है। आज हम सफ़र करने जा रहे हैं पीर छत्तल, जो कि वाक़ है झलमक्सी बलूचिस्तान में। झलमक्सी से पीर छत्तल जाने के 2 रास्ते हैं और एक रास्ता मूला चटोक से भी जाता है। पहला जो रास्ता है इसका रूट कुछ इस तरह है, झलमक्सी से मीरपुर जामोट, फिर गंदावा से कोटरा और फिर पीर छत्तल। ये वो रास्ता है जिससे हर आम और ख़ास पीर छत्तल के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी बुनियादी वजह मुकम्मल सड़क का होना। दूसरा रास्ता जाता है झलमक्सी से कोछा, फिर सोंठ और फिर पीर छत्तल। ये रास्ता आधा ऑन रोड है और आधा ऑफ रोड, और मैंने भी यही रास्ता इख्तियार किया है। इसकी बुनियादी वजह ऑफ रोड पर ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, और आपको भी यही मशवरा देता हूँ कि इस रास्ते से ही जाएं अगर तो ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, गाड़ी या तो 4x4 हो या मोटरसाइकिल, नॉर्मल 4-व्हील गाड़ी इस ट्रैक पर नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीर छत्तल जाना जी, सीधा ही पीर छत्तल? बेटा एक ही है सामने, चले जाओ। पीर छाता जिसको कहते हैं, पीर छत्तल। हाँ, नूरानी, उसको नूरानी भी कहते हैं। पत्थर रास्ता होगा, नहीं इधर से जाओगे ना, हाँ फिर वहाँ से रोड खत्म होएगा, हाँ फिर आगे चौकी होगा। सही है, खत्म होएगा, बिलेट का रास्ता है सीधा इस जबल पे। ठीक है, thank you.
अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है। पीर छतल? पीर छतल जी बता दे। ऐसे जाओ, ठीक है। वो रास्ता देख रहे हो जो कटाई हुआ है? वो कटाई हुआ है। जी 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 जी। इसके से ऊपर जाएगा, आगे आएगा रोड। ठीक है। रोड से इस तरफ जाओ। ठीक है। इस नीचे नहीं जाओ, नहीं जाओ। अच्छा, उल्टे हाथ को जाना। ठीक है, ऊपर जाओ। ठीक है, ठीक है। इस रास्ते की खसूसियत ये है कि इसमें ऑफ रोडिंग तो है ही, इसके साथ साथ आपको पहाड़ भी मिलेंगे और दरिया भी, जो कि आपके सफ़र की खूबसूरती को मज़ीद गर्मा देते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आज से अपनी सोच को बदलना होगा, यानी अपनी सोच को बड़ा करना होगा। ख्वाह आपके वसाइल कम हैं या ज़्यादा, ख्वाह रास्ते में कितनी ही मुश्किलें और रुकावटें आ जाएं, इनका सामना किया जा सकता है। हर किस्म की माजूरी को शिकस्त दी जा सकती है, तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। इस दुनिया में बेशुमार लोग कामयाबी की दास्तानें रकम कर चुके हैं, इन कामयाब लोगों में आपका नाम भी शामिल हो सकता है। शर्त सिर्फ एक ही है कि आप अपनी सोच को अपने से बड़ा कर लें, ऐसी सोच कि आपको किसी मकसद ज़िंदगी और किसी बामायनी मिशन के साथ जोड़ दे। कामयाबी खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। चली जाएगी मोटरसाइकिल उधर से?
व्यूअर्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।